मौसा जी आगरा में रहते हैं। तो संजू भी होगा ना आपके साथ आपके मौसा जी को खून देने के लिए? कैसी बात करें भाभी जी, मौसा जी के तो अभी लल्ला हुआ है। क्या उम्र है उनकी? ही 65। बहुत ही तंदुरुस्त हैं, कुश्ती लड़ते हैं, लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते हैं। अच्छा, तो फूफा जी होंगे? नहीं, फूफा जी तो नहीं है, सिर्फ मौसा जी हैं। एंड आई लव माई मौसा जी। कल तक तो उसके फूफा जी ने पाला था, ये आज अचानक पार्टी कैसे बदल ली? मौसा इंसान नहीं होता, सिर्फ फूफा इंसान होता है, दोनों ने मिलके पाला है उसको। जाइए घर जाइए। नमस्ते भाभी। हाँ हाँ नमस्ते। कैश कैश, चाय ले आओ यार, कैश। ओह मॉर्निंग मिस्टर साजन, पूरी रात ऐश करने के बाद दिन में तो आपकी नजरें कैश को ही ढूंढेंगी। मैडम आप यहाँ? आंखें खोल के देखिए मिस्टर साजन, ये मेरा ही घर है। इनफैक्ट करेक्ट सवाल ये बनता है कि आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मुझे तो याद है मैडम, पूरी तरह से आपने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था रात को बतौर रक्षक। बतौर रक्षक मिस्टर साजन, लेकिन मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आप रक्षक से भक्षक भी बन सकते हैं। जी? कपड़े आपके मिस्टर साजन, ये पहन लीजिए और मैं जिम से आने से पहले पहन के इसे दफा हो जाइए। संजू ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? इसमें कौन सी नई बात है, वो झूठ ही तो बोलता है तुझसे। आने दो ना, आज बताती हूँ झूठ बोलना क्या होता है, आज देखना मेरा गुस्सा। वो तो तू तो रोज ही करती है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? थोड़ा सब्र रख कश्मीरा, आज जब वो आए ना तो गुस्सा मत करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, और जब उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाए ना तब हमला बोल देना, जैसे नवाब साहब बोलते थे। हाँ ठीक कह रही हूँ मम्मी।